Hey guys, welcome to the vlogs. तो आज सुबह मैं पहुंचा हूं 4 बजे और अभी मैं जा रहा हूं अपने जन्म स्थान तो नहीं कर्म स्थान पे. तो कर्म स्थान है मेरा इलाहाबाद से 65 किलोमीटर अवे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है. वहां पे एक गांव है, वहां मैं जाऊंगा. लास्ट टाइम मैं आया था यहां पे, यहां का मैं व्लॉग नहीं बना पाया. मेरे साथ 2 मर्द और हैं और जो हमारे जाने की वजह है वो है मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी अभी गांव में हैं. मैं आपको एक बार अपनी कार दिखाता हूँ हालत कैसी हुई है. वो जो कुएं वाला रास्ता था, मतलब खतरनाक, कहाँ कहाँ तक छींटे गए आप ये सोचो. तो फिलहाल हमारे ग्रुप में 3 लोग हैं और 3 लोग जा रहे हैं मम्मी से मिलने गाँव में. यह है मेरे जिगर के टुकड़े श्री ऋषि और एक दूसरा है जो अभी ये साइड में आपको स्कूल दिख रहा है वहाँ पे अपना कुछ तो फॉर्म वगैरह साइन कराने गया है. तो लास्ट टाइम तो मैं अपने गांव के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता पाया था और दिखा भी नहीं पाया था, बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट किया था. लेकिन इस बार क्योंकि दिवाली है तो इस बार मैं सब कुछ आपको अपने गाँव के बारे में बताऊँगा और मैं कहाँ पला बड़ा हूँ, क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या चीज़ें हैं. तुम क्यों छुपे हुए, इधर आ जाओ. ये चीता खैर गाँव में नहीं रहा है तो इसको ले जाने घुमाने, इसकी दादी से मिलवाने. भाई तुम्हारा आज रात में तो सोया नहीं, पूरा ड्राइव करके आया और अभी सोया नहीं है, फुल एनर्जी के साथ व्लॉग बन रहा है. अब घर पहुंचूंगा तभी सोऊंगा. ऑलमोस्ट आधे घंटे से हम लोग इस जाम में फंसे हुए हैं. इस जगह का नाम है मुगरा बादशाहपुर और यहाँ का ये बहुत रेगुलर काम है. मतलब मैं जितनी बार भी आया हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यहाँ जाम ना लगे. और अभी मुझे लगता है ट्रेन्स वगैरह ज़्यादा हो गई हैं तो ज़्यादा ही लगता है. बाप रे बाप. तो फिलहाल वो जो बैकग्राउंड में दिख रही वो ऑरेंज कलर की वो है अपनी चीती और हम लोग जस्ट पहुँचे हैं. रास्ता मतलब बिल्कुल रिकॉर्ड करने लायक नहीं था, दिखाने लायक नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ड्राइव करके अंदर घुसाना इतना, मतलब इतना टफ हो रहा था कि एक आदमी इधर देख रहा था, एक आदमी इधर पहिया देख रहा था, क्योंकि पहिया जरा सा भी इधर तो अंदर खेत में घुस जाओ आप और 2 फीट गहरा गड्ढा. और ये है मेरा घर जिसमें यूजली कोई नहीं रहता, बस मम्मी आती हैं कभी कभी. और ये है मेरा गांव. ये वो नीम का पेड़ है जहाँ पे जब मैं छोटा था तो यहाँ पे हम लोग वो डालते थे. इस वाली टहनी पे देखो आप, ये जो टहनी है ये वाली टहनी पे हम लोग झूला डालते थे और इस पर हम लोग झूलते थे. और ये जो आम के पेड़ हैं, ये वाले, ये आम के पेड़ मेरे भाई ने लगाए थे, अभी तो काफ़ी बड़े हो गए, इसमें फल वल भी लगते हैं. यहाँ पे हमारा पंपिंग सेट हुआ करता था, इंजन था डीजल इंजन, यहाँ पे पंप था और यहाँ से पानी गिरता था इस टंकी में, ये वाली टंकी में. यहाँ हम लोग नहाया करते थे और ये छोटी टंकी थी. तो जब मैं छोटे थे, जो मतलब जो छोटे बच्चे होते थे, तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो हम इसमें नहाते थे और मेरा भाई और वो लोग इसमें नहाते थे. ये जो घर भी है, मतलब इस घर से पहले हमारा एक कच्चा घर हुआ करता था, जो मिट्टी का घर जो होता है तो वो यहाँ पे हुआ करता था. ये जो ऊंची वाली जगह आपको दिख रही है, वो जो टॉयलेट दिख रहा होगा, इधर से लेके इधर तक एक कच्चा घर हुआ करता था, वो मेरा घर था जिसमें हम लोग रहा करते थे. तो बाद में फिर ये बना. मेरे घर में अभी भी टीवी नहीं है गांव में, पता है तब भी टीवी नहीं था तो हम लोग टीवी देखने के लिए कहीं गाँव में जाया करते थे किसी के घर पर छुप छुप के मम्मी से, मम्मी बहुत पीटती थी. तो अभी मम्मी कहीं गई हुई है मंदिर में, दुर्गा देवी जी के मंदिर में गई हुई है. मम्मी आती है तो फिर मैं आपको मम्मी से मिलाता हूँ. हमने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, हमारे जो थर्ड मेंबर हैं ये हैं. तो मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ फिर आपको बाकी के अपडेट्स देता हूँ. पहले यहाँ घर हुआ करता था, वो गिर गया है, पूरा खंडहर बन गया. गांव में अभी कोई रहता नहीं, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो बहुत सारे बच्चे रहा करते थे. अभी गांव में मतलब मोस्टली लोग नहीं रहते हैं, जो हमारे साथ वाले थे सब कुछ ना कुछ कमाने लग गए. और हमारे साथ में जो लोग पढ़े थे वो तो मतलब 1 से 3rd 5th तक, उसमें तो मोस्टली लोग, मुझे लगता है 10th के बाद मोस्टली लोग ने पढ़ाई छोड़ दी.
और जो कुछ बच्चे उन्होंने ट्वेल्थ के बाद छोड़ दी, उसमें से एक लड़का ऐसा है हमारे साथ जिसने बीटेक करी है, उसके अलावा मुझे पता नहीं कि किसी और ने कुछ किया है, बाकी सब 10th 12th, दैट्स इट। कोई मेरे साथ वाला मुंबई में ठेले होते हैं ना वो लगाता है फल का, कोई ट्रक वक चलाता है, कोई ऐसे ही गाड़ी चलाता है, स्कूल बच्चों की गाड़ी चलाता है। तो मतलब मैं बहुत वैसे बैकग्राउंड से आता हूँ, तो अभी सब आपको ये मेरा रूट है, बेसिकली ये मेरा रूट है, इसको आपको देख के लग रहा होगा। तो टाइम हो रहा है अभी 9:45, मैं हूँ अपने गांव में, रात का 9:45, मम्मी के हाथ का बना खाना अभी जैसा हमने आपको दिखाया खाने जा रहे हैं हम लोग, इसके बाद सोएंगे और फिर कल आपको अपने गांव का जो जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना उस रास्ते को आप देखना, मतलब वहाँ से गाड़ी निकालना ये समझ लो कि किसी जंग जीतने के बराबर है। हाय कर्मभूमि। हाय। तो मम्मी खाना बना रही है यहाँ पे, और देखो मोदी जी की जो उज्ज्वला योजना थी, हालांकि उससे गैस नहीं मिली है, बट उसके बाद से गैस सिलेंडर गाँव में मिलना भी आसान हो गया है, तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है। लेकिन मम्मी को एक फ़ायदा क्या हुआ है कि अभी मम्मी ने यहाँ से गैस बुक करी, तो मम्मी को गांव में, मतलब मेरा गांव का रास्ता इतना घटिया ना, कल मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ भी गैस सिलेंडर आ गया है, मम्मी खाना बना रही है, हम लोग गरम-गरम रोटियाँ खाने जा रहे हैं। अभी के लिए गुड नाइट, कल व्लॉग थोड़ा बहुत और आपको दिखाएंगे गाँव के बारे में, फिर व्लॉग ख़त्म करेंगे, ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा तो बेयर विद दैट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द विलेज। और कल मैं आया था झारसुगुड़ा से, रात भर गाड़ी चलाई, सुबह 3:30 पहुँचा, 2-3 घंटे इलाहाबाद में घूमा, पुष्कल को दिखाया इलाहाबाद कैसे चेंज हुआ है, उस पर भी मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाने का इलाहाबाद बिफोर एंड आफ्टर का। और फिर कल ही मैं फिर वापस से 70 किलोमीटर्स ड्राइव करके वापस अपने गाँव आया 12 बजे तक, मतलब 12 बजे तक इंतज़ार किया, मम्मी कहीं गई हुई थी मंदिर में, उसके बाद 12 बजे के बाद जो मैं आउट हुआ हूँ, तो फिर मैं उठा हूँ ऑलमोस्ट 5 बजे उठा हूँ, और फिर उसके बाद एडिट किया है, अभी वीडियो रेंडर पे लगा हुआ है। तो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अपने गांव का बहुत कुछ दिखाया नहीं था, ये मेरा घर है गांव का, देखो तो आप खिड़कियाँ ईंटे वीटे लगा के क्लोज करी गई है, क्योंकि यूजली यहाँ पे कोई रहता नहीं है, इधर देखो घास पूरी जंगल सी हो गई है यहाँ, ये देखो ये एक जामुन का पेड़ था, जब हम लोग छोटे थे तो ये और छोटा हुआ करता था, तो इसमें हम लोग तोड़ तोड़ के जामुन खाया करते थे। मेरे साथ रुनित है अभी, तो हम लोग जा रहे हैं आपको नहर दिखाने के लिए। देखो गांव की आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, पता नहीं जो लोग शहर से होंगे शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, एंट हिल। सारे जो चींटियाँ हैं वो अंदर से मिट्टी निकाल निकाल के ले आ रहे हैं और बाहर गिरा रहे हैं। मेरे गांव में लाइट 1-2 साल पहले ही आई है, और गांव की सबसे एक ख़ास बात पता क्या होती है, गांव में जब तक लाइट रहती है ना किसी ने किसी के यहाँ, मतलब ये गाने वाने कुछ ना कुछ चलते रहते हैं पूरे टाइम भाई साहब, मतलब इतना अत्याचार मचा रखा है, जब तक लाइट रहेगी, अभी ये चल रहा है रात को 11 बजे तक चला है, और सुबह जब भी मेरी नींद खुली है ना 4 या 5 बजे से लगा देते हैं गाने लोग, और चलता रहता तेज़ आवाज़ में पूरे गाँव में सुनाई देगा। तो ये जो रास्ता है ये नहर जाता है, नहर पे जो मेरे गांव में नहर है, खेतों की सिंचाई उसी से होती है, तो मेरे गांव में यूजुअली पानी की कमी रहती नहीं है। अभी जो आपने देखा वो थे धान के पौधे छोटे छोटे, वो जो था उसके अंदर से चावल निकलता है, जिसको नहीं पता हो उसके लिए। ये जो अभी आप देख रहे हो ना पौधा, ये झाड़ी है बेसिकली, इसको हम लोग जब छोटे थे तो इसको हम लोग चोर बोलते थे, तो ये जो चीज़ें हैं ना इनसे जब भी आपका हाथ या मतलब कपड़े लगेंगे तो ये कपड़ों में चिपक जाते हैं पूरी तरह से, ये देखो ये। और हम लोग क्या करते थे इसको कपड़ों में, लोगों के कपड़ों में कभी फेंक दो ना कपड़ों पे, तो कपड़ों पे पूरे चिपक जाएंगे, और ये हम लोग का मजाक हुआ करता था। फिर उसको छुड़ाने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक एक बिनना पड़ता है छुड़ाने के लिए, प्लग करना पड़ेगा एक एक को। इसके पहले जब मैं गांव आया था ना तो इसी रास्ते से मैंने अपनी कार निकाली, मैं अभी आपको रास्ता भी दिखाऊंगा, तो आप सोच लो कितना ख़तरनाक रास्ता रहा होगा, और यहां पे उधर पेड़ों टहनियों की बहुत सारे स्क्रैच लगे थे, वो पूरी लाइन बन गई थी, प्लस उड़ीसा में भी मैंने बहुत हरकतें करी हैं तो उससे भी लाइनें बन गई थी।
ये देखो, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, यहाँ से मैं अपनी कार टाटा नेक्सॉन लेके आया था, यहाँ से लेके आया था, फिर इधर हम लोग गए थे। और इसके ऊपर जब आप चढ़ोगे तो नहर है, वो थी नहर, बहुत गंदी हो रखी है। और पहले जब हम लोग थे तो यहाँ पे मतलब प्रॉपर बैठने बैठने का हम लोगों ने बना रखा था, बहुत सारे गांव में बच्चे हुआ करते थे तो हम लोग बैठते थे आराम से यहाँ के, बहुत देर देर तक बैठते थे, नहर के अंदर नहाते थे। अभी बारिश है तो बारिश की वजह से पानी गंदा भी हो रखा है, पहले बहुत साफ़ पानी हुआ करता था, मतलब ठंड में पानी साफ़ हो जाता है, अभी जैसे बारिश का मौसम ख़त्म होगा तो पानी साफ़ हो जाएगा। ये था मेरे गाँव का एक छोटा सा टूर, अभी हम आपको अपने गाँव का मार्केट भी दिखाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड देसी टूथब्रश, ये बेसिकली नीम की टहनी है, इसको दातून बोलते हैं गांव में, और इससे ब्रश किया जाता है टीथ को, आप साफ़ करो। और नीम इज़ वेरी हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग योर बैड ऑडर, ऐसा लग रहा है मैं प्रचार कर रहा हूँ। गांव का ये फ़ायदा रहता है कि आपको एक छोटा डिस्कवरी चैनल वाला सीन देखने को मिल जाता है, अभी जैसा आपने देखा वो तितली वाला। ये देखो, ये हमारे गांव का कुत्ता है, इसका नाम है कालू। ये इसको आराम मिल रहा है ऐसे करके, हंस रहा है, देखो 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 दांत देखो इसके, हंस रहा है। तो द फैमिली ऑफ फोर जिंदगी के लड़के के साथ नहा के जा रहे हैं मार्केट। जिंदगी का लड़का कौन है? लाइफ बॉय। तो ये है मेरे गांव का न्यूली डेवलप्ड मार्केट। जिंदगी के लड़के के साथ नहा के हम लोग पूरा फ्रेश फील कर रहे हैं और मार्केट घूमने आ गए हैं। इसके बाद शायद से एक और जगह है मार्केट उधर, उसको सुजानगंज बोलते हैं, वहाँ पे हमें जाना है, देखने की कार वॉश कहीं हो सकता है कि नहीं, क्योंकि हालत ऐसी गंदी हो रखी है कि आप पूछो मत। देख रहे हो कलर मिट्टी। अभी आपने वो रास्ता देखा उधर से, इतना कम क्लियरेंस है, और इधर साइड में एक ट्री कटा हुआ है, ट्री का जड़ है रूट, और वो कई गाड़ियों में, मेरे गांव में आने वाली कई गाड़ियों में उसने अच्छा खासा स्क्रैच लगाया है। और कहाँ पे लगता है बताएं? यहाँ पे अक्सर स्क्रैच लगता है उससे। और भाई तुम्हारा लेकिन एक्सपर्ट ड्राइवर हो गया है जंगलों में चला चला। ये देखो गुड़ वाली जलेबी, आपने खाई नहीं होगी, ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा जो गाँव का वीडियो शूट था यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करना, और नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो 5-7 को और सब्सक्राइब कराओ, और इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो इंस्टाग्राम पे पक्का आओ। यह है हमारी चार की फैमिली जिन्होंने जीवन लड़के के साथ नहाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय 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 बाय।